हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आई हूँ एक जगह पे जिसका नाम है ब्लोसम एक्सोटिका। ये डिब्रूगढ़ में है। ये एक गार्डनिंग और नर्सरी है, मतलब लोग यहाँ पे गार्डनिंग करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इसको घूम लेते हैं। ये लीजिए, मैं टिकट काउंटर में आ गई और ये टिकट ले लिया। पर पर्सन 30 रुपीज़ है एंट्री फीस। तो टिकट ले लिया, अभी अंदर चलते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे सब कुछ, मतलब लोग ने नर्सरी जैसा खोल के रखा है। यहाँ से आप ख़रीद भी सकते हो प्लांटेशंस वगैरह। तो देखते हैं क्या क्या है। ये सब हर्ब्स है, देखिए सब कुछ मसाले वगैरह का। यहाँ से लोग बड़ी गिफ्ट भी लेते हैं। ऐसा ऐसा एक प्लांट गिफ्ट कर सकते हो, आप ख़रीद सकते हो यहाँ से और आके ऐसे अपना टाइम भी पास कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं घूम लेती हूँ और साथ में आप लोग को भी दिखा देती हूँ क्या है ये। हर साइड में देखिए चाय पत्ती, और चाय पत्तियों के बीच में से ये रास्ता जा रहे हैं हम लोग। ये सब अलग अलग टाइप के लोगों ने कुछ प्लांट लगाया है। और फिर अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे, वो लिखा हुआ है ब्लोसम और लोकेशन भी लिखा हुआ है, देखिए डिब्रूगढ़। फुल चाय पत्तियों के बीच में देखने में भी अच्छा लगता है। एक इस जगह का एक खासियत है कि हर चीज़ ये लोग ना ऊड और बैम्बू से बनाया हुआ है। ये देखिए सीढ़ी भी ना फुल ऊड से बना हुआ है। इसके ऊपर मैं चढ़ गई और अभी यहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज है जिस पे मैं अभी जा रही हूँ। वो भी पूरा देखिए बांस से बना हुआ है। सीढ़ी भी देखिए अभी बांस की है। इस पे अभी मैं चढ़ूँगी और फिर मैं जा रही हूँ इस हैंगिंग ब्रिज में। पहले तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था कहीं गिर जाऊँगी, फिर भी सोची गिरूँगी भी तो क्या ही हो जाएगा, चाय पत्तियों के ऊपर ही ना गिरूँगी। तो चलिए, और ये मैं चढ़ गई और फिर खूब मज़े से फोटोज़ लिए। दोपहर का समय है तो इतना अच्छा फ़ोटो नहीं आया। और वो देखिए चाय पत्तियों के ऊपर एक झूला बना हुआ है, हर जगह में वैसा ही है। और फिर ये रास्ता भी देखिए बांस का बना हुआ है। नीचे चाय पत्ती के बगान है। ये देखिए जगह जगह में ना बैठने के लिए भी बांस से ऐसे बना दिया है, सो डेट वी कैन रेस्ट। ये देखिए मैं भी बैठ गई हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। सीढ़ी भी सब काट, मतलब वुडन है। और ये देखिए इतना प्यारा सा दिल शेप ये लोग ने चेयर बनाया है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। फ़ोटोज़ लेने के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में डालने के लिए बहुत एकदम सही जगह है। और वो झूला, झूले में लोग अभी झूल रहे हैं देखिए। और मैंने सोचा मैं भी फ़ोटोज़ ले ही लेती हूँ। फिर इसके बाद फिर से मैं अलग जगह पे जा रही हूँ, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। ओ, और एक ये देखिए मुझे एक झूला मिल गया और मैं बैठ गई। मोटी भैंस ही हूँ ना, कहीं भी कुछ मिल जाए बस बैठने के लिए बैठ जाती हूँ और उठने का नाम नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। नीचे चाय पत्ती लगी हुई है, ऊपर झूला हुआ है, झूला लगा हुआ है मतलब। बस चलो उठ गई जैसे तैसे। अभी फिर जा रही हूँ दूसरी ओर और मुझे दिख गई और एक झूला। बस कहीं भी दिख जाए बैठने के लिए जगह, रुक नहीं सकती मैं। और ये देखिए फिर से एक और मिल गया, अब यहाँ भी जाके बैठ जाऊँगी। लो बैठ गई।
इसके नीचे तो अब पानी है, गिर जाती तो डायरेक्ट पानी में, लेकिन नहीं ये लोग सही से बनाया हुआ है। बस अब यहाँ झूलने लग गई। ये व्यू ना सही में अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं दोपहर में गई थी ना, क्योंकि असम में तो बंद था ना, कर्फ्यू वगैरह है, तो 4 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसलिए दोपहर में गई थी, धूप भी था, लेकिन फिर भी मज़ा आया मुझे, हवा आ रही थी, बस झूल ही रही थी, झूल ही रही थी। और फिर दूसरे लोग भी वेट कर रहे थे, तो सोचा चलो उतर जाती हूँ। और इसके बाद मैं अभी उतर गई, ये देखिएगा, मन तो नहीं हो रहा था, फिर भी ऑप्शन नहीं है ना, तो उतर गई। और ये ऐसे ही काठ का कुछ चेयर बना के रखे। इसके बाद में गई और एक कुछ, ओके ये तो एक रेस्टोरेंट है, यहाँ कुछ आप ऑर्डर करके खा सकते हो जैसे स्नैक्स टाइप, और हाँ थाली वगैरह भी मिलता है, लेकिन हम लोगों ने तो स्नैक्स ही ऑर्डर किया था। और ये है ट्री हाउस, मतलब कांच में बना हुआ है, इसका सीढ़ी भी वैसा ही है, देखिए सब बैम्बू से बना हुआ है। और ये मेरे साथी लोग सब बैठ गए खाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार ऊपर से होके आती हूँ, देखते ऊपर क्या है, सब कोई थक गए, उन लोग को नहीं जाना था, तो मैं अकेले ही चल गई। ऊपर का व्यू भी तो देखे, ऊपर से क्या दिखता है, नज़ारा कैसे आता है। जा ही रही हूँ, सीढ़ी में चढ़ ही रही हूँ, हर जगह पे सब काट, मतलब ऊंट से बना हुआ है, ये देखिए। और ये है व्यू, वाओ, हर जगह चाय के बागान, टी गार्डन, ऐसे भी असम तो टी गार्डन के लिए फेमस है ना, तो सही है, एकदम सही है। बस और क्या, खाना वगैरह खा लिया, अभी जा रहे हैं वापस घर। बस आज के लिए इतना ही था, अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।